दोस्तों, दीपावली आने में बस कुछ ही दिन दूर है। आज जो है, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को लक्ष्मी पोटली बनाने का तरीका बताऊंगा। जितनी भी सामग्री रखा हूं, इसी सामग्री से लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से तैयार की जाती है, इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि लक्ष्मी पोटली ही एक ऐसी पोटली है जिस पोटली से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी पोटली से आपके जीवन में अगर आप बनाना सीख जाए तो कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। लक्ष्मी पोटली आप जो है धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, क्योंकि नजदीक में धनतेरस है, दीपावली है, तो लक्ष्मी पोटली दो दिन ही बनाई जाती है। एक जो होता है धनतेरस का दिन, ये भी काफी शुभ होता है, और जो होता है दीपावली का दिन। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरु जी, आप जो है लक्ष्मी पोटली के बारे में एक वीडियो बना करके बताइए। तो आज की जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आप अपना 2 से 3 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी बनने वाली है तो कोशिश करें कम से कम आप जो है 7 से 8 मिनट का जो है टाइम दीजिए। तो 7 से 8 मिनट अगर आप आज टाइम दे देते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो यकीनन माने फिर आपको धनवान बनने से, अर्थात आपके बंद किस्मत के ताले को खुलने से, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी, हम काफी निर्धन होते जा रहे हैं, हमें जो है पैसा हमारे घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो देखिए, जो लक्ष्मी पोटली क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। प्राचीन समय में आपने देखा होगा जितने भी साहूकार थे, कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जितने भी लोग, जैसे कि व्यापारी वर्ग के लोग थे, सब लोग धन पोटली बना करके रखते थे। एक साधारण व्यक्ति भी प्राचीन समय में धन पोटली बनाकर रखता था। प्राचीन समय की जीवन शैली बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य का आना हमारे घर में बेहद जरूरी है। लक्ष्मी पोटली अगर आप घर में बना करके रखते हैं तो माता अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक ही अगर आप धन वैभव लक्ष्मी को बस सिद्ध करके रख ले तो आपका जीवन अच्छा नहीं गुजरने वाला, क्योंकि धन तो अपने इकट्ठा करके रख लिया है, और आपकी जिंदगी अगर बीमारी में गुजर रही है तो फिर सबसे ये दुखद है, क्योंकि सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। तो अगर आप धन पोटली बनाना सीख जाते हैं तो आपको धन वैभव सुख संपत्ति, ऐसो आराम निरोग काया तथा लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और ये पोटली कोई भी व्यक्ति बना सकता है, इसमें लड़कियां भी बना सकती हैं। पोटली जो माता बहनें हमारी चैनल को देखती हैं, आप में से बहुत सारी बहनें हैं जो वीडियो को देखती हैं, या फिर भाई लोग जो कुवारे ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति भी ये पोटली तैयार करके रख सकते हैं। तेजी से घर में धन आना शुरू हो जाता है, और इसमें मैं आप लोगों को जितनी सामग्री रखा हूं, ये सामग्री बहुत ही आसानी से नजदीक की पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगी। अगर इसमें से कुछ सामग्री आपके पास में नहीं है तो मैं 7 सामग्री बताऊंगा। ये 7 सामग्री को रखकर भी आप जो है धन पोटली अपने घर में बना सकते हैं। यकीनन माने एक बार बस आप जो है धन पोटली बना करके रख लीजिए, आपके जीवन में धन का अभाव ही नहीं होगा। फिर आपको इसे दोबारा जिंदगी में बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन आपको कपड़ा बदलते रहना है, सामग्री वही चलेगी लेकिन कपड़ा आपको जैसे कि हर धनतेरस या दीपावली में बदलते रहना है। इतनी ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, प्रगति होगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे अगर धन पोटली से व्यक्ति धनवान बनता है तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोग को सही जानकारी नहीं होती है। आपने देखा होगा आज भी जब छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाता है तो नमक मिर्च का उतरा करते हैं। अब नमक मिर्च का उतरा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। टोटके वह सरल क्रिया है जो कि कम समय में अच्छा परिणाम देता है, और इसमें आपको ना ओझा के पास जाना है, ना तांत्रिक के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति टोटके को कर सकता है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को यह धन पोटली बनाना सिखा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। इसी को कुबेर पोटली भी बोलते हैं और इसी को लक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं। इसमें बस एक चीज आप बदल देंगे तो कुबेर पोटली बन जाएगी, और एक चीज डाल देंगे तो लक्ष्मी पोटली बन जाएंगी। वो कैसे, आइए मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पोटली कैसे तैयार करें। तो सर्वप्रथम इस प्रकार से आपको लेना है, देख लीजिए मैं यहां पे जितनी भी सामग्री लिया हूं, ये सामग्री आपको लेनी है। तो सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से एक वस्त्र लेना है। आप जो है गेरू कलर का इस प्रकार से वस्त्र ले सकते हैं।
अगर गेरू कलर आपके पास में नहीं है तो आप जो है इस प्रकार से लाल कलर का भी वस्त्र ले सकते हैं। लाल कलर का वस्त्र को अति उत्तम कहा जाता है। लेकिन आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि गेरू पोटली का भी बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। अब चलिए, मैंने इतनी सारी सामग्री रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से कितनी सारी सामग्री है, क्योंकि मेरे पास पहले से है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कौन कौन सी सामग्री लेनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए, लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से ले लेना है वस्त्र। इसके बाद आपको पहले लेना है गंगा जल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है गंगा जल। तो थोड़ा सा आपको गंगा जल के छींटे मरने हैं, क्योंकि हमें ये पवित्र करना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको गंगा जल के छींटे मार देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले गंगा जल के छींटे मारने हैं। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे अब हमें पहली सामग्री इसमें क्या डालनी है, तो इस प्रकार से डालने हैं चावल। 21 चावल के आपको दाने ले लेना है। ध्यान से देखना, आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो इस प्रकार से 21 आपको चावल के दाने लेना है। इसके बाद आपको दूसरी सामग्री में लेना है, ध्यान से देखिएगा, कमल के बीज। इस प्रकार से आपको लेने हैं 5 कमल के बीज। तो ऐसे कमल के बीज डाल लीजिए। मैं इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा बनाने, बस से ये आपको फायदा नहीं देगा, आपको इसे सिद्ध करना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब इसके बाद मैं यहां पे सामग्री, जो तीसरी सामग्री लेने जा रहा हूं, इस प्रकार से देख लीजिए। अब ये है सुपारी। सुपारी को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। जहां पर लक्ष्मी गणेश है वहां पर बुद्धि और धन दोनों प्राप्त होते हैं। तो दो आपको सुपारी ऐसी ले लेनी है। इसके बाद आपको यहां पर लेनी है तीसरी सामग्री के रूप में, इस प्रकार से देखिए, आपको 4 लाल चूड़ी लेनी है। इस प्रकार से 2 जोड़ी लाल चूड़ी आपको लेनी है। ये लाल चूड़ी डाल दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल कलर की जो चूड़ी है बेहद प्रिय है। माता लक्ष्मी ये लाल कलर की चूड़ी की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सामग्री लेनी है। इस प्रकार से हल्दी देख लीजिए। इस प्रकार से आपको 2 हल्दी लेनी है। चलिए, मैं यहां पर 2 हल्दी डाल देता हूं। ध्यान से देखना है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं। बिना हल्दी के प्रयोग के बिना फिर वह पूजा पाठ सफल नहीं होता है। इसके बाद हमें यह सामग्री लेना है 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि द्रव्य भी जरूरी है। आप पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं उसमें द्रव्य का भी जरूरी होता है। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो यहां पर हमें 1 रुपए का सिक्का भी लेना है। इस प्रकार से देखिए, 1 रुपए का हमने यहां पर सिक्का ले लिया है। इसके बाद आपको अगली सामग्री लेनी है। मित्रों ये देख लीजिए, तो ये है गोमती चक्र। आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करते हैं, ये बाधा को आना नहीं देते। लक्ष्मी पोटली में गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो गोमती चक्र होता है आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं, ये बाधा आने ही नहीं देते। तो आपको 5 गोमती चक्र लेना है। इस प्रकार से, क्योंकि जो गोमती चक्र है इसे भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप कहा गया है। इसके बाद आपको लेना है 5 इस प्रकार से लघु नारियल। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में लघु नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास में लघु नारियल है तो फिर इसे अति उत्तम कहा गया है। बिना लघु नारियल के भी आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, गुरुजी लघु नारियल कहां मिलेगा? तो पूजा पाठ की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 5 लघु नारियल। इस प्रकार से अगर आपके पास में 5 लघु नारियल नहीं है तो लघु नारियल को स्कीप कर सकते हैं, और लघु नारियल की जगह में आप जो है एकाक्षी नारियल जो आता है वो एक एकाक्षी नारियल ले सकते हैं। एकाक्षी नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। इसके बाद आपको लेना है, इस प्रकार से देख लीजिए, ये जो सामग्री देख रहे हैं थोड़ी सी ब्लर हो रही है वीडियो, ये जो सामग्री देख रहे हैं देख लीजिए। अब इसे बोला जाता है पीली राई, तो इस प्रकार से एक मुट्ठी पीली राई लेना है। पीली राई सूर्य भगवान की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसे ये खींचने का काम करती है। पीली राई भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ऐसा कहा जाता है। जिस स्थान पर पीली रही हो उस स्थान में साक्षात नारायण बसते हैं। जहां पर पीली राई रखी जाती है उस स्थान पर से दरिद्रता एवं गरीबी दुख तकलीफ का नामो निशान मिट जाता है, और ये सभी प्रकार के संकटों को दूर करती है। इसमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। तो इस प्रकार से एक मुट्ठी आपको ले लेनी है पीली राई। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।
इसके बाद आपको अगली सामग्री के रूप में लेना है जौ। इस प्रकार से इतने आपको जौ लेना है, जौ डाल देना है। जौ की संख्या कोई फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है ये दो जायफल। जायफल के अंदर में इतना ज्यादा प्रभावी गुण छिपे होते हैं कि जायफल व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति करते हैं। ये बंद किस्मत के दरवाजे को खोलते हैं। किसी कारणवश किसी की हाय लगी हो, बद्दुआ लगी हो, उसे भी दूर करने का काम करते हैं। तो लक्ष्मी पोटली आप बना रहे हो, आपके घर के ऊपर में किसी की हाय लगी है, बद्दुआ लगी है, उसे ये दूर करने का काम करेंगे, तो दो आपको लेना है। इस प्रकार से जायफल। इसके बाद इसमें मैं अंतिम सामग्री के रूप में लेने जा रहा हूं मित्रों, वो पीली कौड़ी। तो इस प्रकार से आपको ले लेनी है पीली कौड़ी, क्योंकि पीली कौड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पीली कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। ये समुद्र से उत्पन्न हुई, इस नाते ये समुद्र की पुत्री है। और जो कौड़िया है, इस प्रकार से पीली कौड़ी, ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी की बहन है, ऐसा माना जाता है। जिस स्थान पर पीली कौड़ी हो, उस स्थान में लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तो लक्ष्मी लक्ष्मी पोटली के निर्माण के लिए आपको लेना है पांच पीली कौड़ी। इस प्रकार से आपको ले लेनी है पांच पीली कौड़ी। तो यहां पर हमने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की है। अगर आपके पास में इतनी सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। इसमें आपको क्या क्या लेना है मैं आप लोगों को बता दूं, फिर आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे पास कोई सामान नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। देखिए आप स्किप कर सकते हैं। इसमें आपको एक काम करना है, दो हल्दी ले लेनी है, एक रुपए का सिक्का लेना है, पांच पीली कौड़ी, और ये चार आपको इस प्रकार से चूड़ी ले लेना है। और ये इस प्रकार से जो देख रहे हैं, ये जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो गोमती चक्र है भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहे गए हैं, तो आपको गोमती चक्र स्किप नहीं करना है, गोमती चक्र ले लेना है। दो आपको सुपारी का बीज ले लेना है, और एक चीज आपको इसमें और ले लेनी है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वो है इस प्रकार से जौ। क्योंकि सृष्टि में जौ का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, और बिना जौ के कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होता है, तो लक्ष्मी पोटली में जौ का निर्माण भी जरूरी होता है, तो आप जौ ले लेना। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी पोटली तैयार करनी है, और इसमें एक चीज आपको डालनी है, वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आखिरी चीज देख लीजिए। इस प्रकार से आपको लेना है ये लक्ष्मी यंत्र, ध्यान से देखिएगा इस प्रकार से। और अगर आप इसमें कुबेर जी का यंत्र डाल देंगे और चूड़ी, जो चार चूड़ी आपने ली है, निकाल देंगे, तो ये कुबेर पोटली बन जाती है। और इसमें अपने चार चूड़ी रख ली और ये लक्ष्मी यंत्र डाल दिया, तो ये लक्ष्मी पोटली का काम करेगी। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है लक्ष्मी पोटली, इस प्रकार से डाल लीजिए। हम इन सारी चीजों को आपको एक पोटली की तरह तैयार करना है। पोटली की तरह तैयार करने के बाद आपको इसे अपने घर में, इसमें थोड़ी सी आपको धूप दिखानी है गंगा जल का, और बाद में थोड़े से छींटे में मार देना, और इसे माता लक्ष्मी के सामने में समर्पित कर देना, और प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी प्रसन्नता के लिए हमने लक्ष्मी पोटली तैयार करके रखी है, कृपया आप यह लक्ष्मी पोटली को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। और आपको प्रार्थना करना है कि आपका जो हमने यंत्र रखा है, इसमें आपके आठ प्रकार के रूप बसे, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी कही गई है, तो आठों लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी, आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, आपको धन दौलत, लौकिक अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की के सुखों की अनुभूति होगी, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। जो लोग निर्धन हैं वह धनवान बनेंगे, जो लोग रोगी वो सब निरोगी हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी पोटली के बारे में ऐसा बोला जाता है, जिस स्थान पर लक्ष्मी पोटली होती है, जिस घर में लक्ष्मी पोटली होती है, उसे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के सामान बन जाते हैं, ऐसे घर तीर्थ के सामान बन जाते हैं। मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लक्ष्मी पोटली आप धनतेरस या दीपावली के दिन जरूर बना करके रखें। आपके जीवन में दोबारा धन की कमी नहीं होगी। आप जहां पर मेहनत करके 100 रुपए कमा रहे हैं, आपको 1000 रुपए मिलना, मुनाफा मिलना शुरू हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम स्वयं लेते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही साथ अगर आप ये उपाय सच्चे मन से करते हैं, माता लक्ष्मी के सामने में समर्पित करके ये पोटली बना लेते हैं, और इस पोटली को धन स्थान में या फिर इसे पूजा स्थान पर उत्तर दिशा में रखना होता है, या फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं, आजीवन आपके घर से लक्ष्मी नहीं भागेगी, इतनी सामग्री से माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी फिर आपके घर में सदा के लिए निवास कर जाती है, आपके घर का परित्याग नहीं करती, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वभाव है चंचलता,
क्योंकि समुद्र का पानी एक स्थान पर नहीं ठहर पाता। उसी प्रकार ये माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री होने के कारण ये एक ही स्थान पर नहीं ठहर पाती, तो इसे ठहरना भी जरूरी है, इसे स्थायी रूप से बांधना जरूरी है। लक्ष्मी पोटली से माता लक्ष्मी का बंधन होता है। माता लक्ष्मी घर का त्याग नहीं करती है, तो आप ये लक्ष्मी पोटली अपने घर में जरूर बना करके रखें। आपको अन्न धन सुख संपत्ति सभी प्रकार के लौकिक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। दीपावली धनतेरस के दिन बनानी होती है। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।